मां ज्वाला धाम उचेहरा मंदिर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया माता रानी का प्रकट उत्सव। उमरिया जिले के नौरोजाबाद रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम उचेहरा के मां ज्वाला धाम में ज्वाला माता का प्रकट उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह सबसे पहले माता रानी का भव्य श्रृंगार किया गया तथा विधि विधान से माता रानी की पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात माता रानी को 56 भोग का प्रसाद भी चढ़ाया गया। मंदिर में मां ज्वाला के दर्शन करने के लिए दिन भर भक्तों के आने का तांता लगा रहा। मंदिर प्रांगण में प्रधान पुजारी बड़े महाराज ने बताया कि प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष माता रानी का प्रकट उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे प्रबंधन समिति के द्वारा माता रानी के प्रकट उत्सव को लेकर मंदिर प्रांगण में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने से जैसे सैला नित्य, कर्मा नित्य तथा पूरे दिन देवी जागरण का कार्यक्रम भी चलता है। मां ज्वाला धाम उचेहरा में भारत के कोने कोने से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु माता रानी का सच्चे मन से दर्शन करते हैं तो मां ज्वाला उचेहरा वाली उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। नरोजाबाद थाना प्रभारी डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह एवं उनकी पुलिस बल तैनात रहा। उमरिया से हुकुम सिंह राजपूत, सीआईडी न्यूज, मध्य प्रदेश। आज उमरिया जिला में अपने स्थित मां ज्वाला मंदिर में माता ज्वाला जी का प्रकटोत्सव मनाया जा रहा है और जैसा कि आप देख रहे हैं अपार भीड़ अपार श्रद्धालुओं का यहाँ पे तांता लगा हुआ है। प्रतिवर्ष यहाँ पे माता रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, प्रकटोत्सव मनाया जाता है। अपने मध्य प्रदेश के अलावा भी अन्य राज्यों से यहाँ पे श्रद्धालुओं का आगमन होता है और ऐसी मान्यता है कि जो माता जी से यहाँ मांगी जाती है, मुरादें मांगी जाती है या कुछ अपनी ऐसी इच्छा होती है, माता रानी कभी खाली वापस नहीं जाने देती हैं और हर किसी की मनोकामना पूर्ण करती हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं स्वयं इस बात को मानता हूँ और प्रभावित हूँ और ये यहाँ की भीड़ देख के ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं की भावना जागृत हो रही है। लोग बोलते हैं हिंदू जग नहीं रहे हैं, जग रहे हैं, बस जगाने वाला चाहिए। यहाँ की भीड़ देख के यही मेरे को ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदुओं का आत्मसम्मान बिल्कुल जागृत हो रहा है और लोग उत्साहपूर्वक ऐसे कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं।